अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हमने लेसन वन की ट्रांसलेशन की थी, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले है लर्निंग द साउंड्स। आपने साउंड्स को सीखना है। साइलेंट लेटर्स, साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं? खामोश लेटर, जो किसी भी वर्ड में मौजूद तो होते हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ते नहीं हैं, उनकी कोई साउंड, उनकी साउंड को हम यूज़ नहीं करते, ठीक है? उन्हें हम वो पढ़ने में नहीं आते, ठीक है? वो पढ़ने में नहीं आते, उनकी साउंड्स को हम किसी भी वर्ड में यूज़ नहीं करते, ठीक है? किसी भी वर्ड में कुछ जैसे आप ये देखें, हमज़ा एंड अजलान आर माई स्कूल फ्रेंड्स, आर माई स्कूल फ्रेंड्स। अब ये देखें, सी की साउंड क्या है? का। हम इसको तो बोल रहे हैं लेकिन एच की साउंड को हम नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन इसमें है वर्ड में एच, लेकिन इसकी साउंड को हम यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है? स्कूल। ये देखें, प्लीज़ गिव मी दिस नाइफ, गिव, ठीक है? ई को हम नहीं, ई इसमें साइलेंट है। और इधर नाइफ, हम कनाइफ नहीं पढ़ रहे, के की साउंड को हम यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है? नाइफ पढ़ रहे हैं और के साइलेंट है इसमें। अब राइट, देखो डब्ल्यू की साउंड क्या है? वाओ, हम उसको नहीं पढ़ रहे, ठीक है? ये डब्ल्यू क्या है? साइलेंट है इसमें। अब ये देखें, राइट हैंड ऐसे, अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई। अब इसमें हम एच की साउंड को नहीं पढ़ रहे। अब है टर्न द स्विच ऑन। अब टी की साउंड, सी एच की साउंड क्या होती है? चे होती है, ठीक है? तो टी इसमें साइलेंट है। टर्न द स्विच ऑन, टर्न द स्विच ऑन, इसमें टी साइलेंट, ठीक है? साइलेंट लेटर, साइलेंट लेटर्स आर स्पेल्ट इन अ वर्ड। किसी भी वर्ड में हिजे हैं बट नॉट प्रोनाउंस्ड, लेकिन हम उन्हें प्रोनाउंस्ड नहीं करते, ठीक है? उन्हें अदा नहीं करते, उन्हें पढ़ते नहीं, उनकी साउंड को यूज़ नहीं करते। ये नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। ये जो डायलॉग दिया गया है इसको आपने रीड करना है ताकि आपको पढ़ना आए, ठीक है? अली, अस्सलाम वालेकुम। अली क्या कहता है अपने फ्रेंड से? अस्सलाम वालेकुम। दानिश, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? दानिश कहते हैं, वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। नाइस टू सी यू हेयर इन द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में तुम्हें यहाँ मिलकर बहुत अच्छा लगा। अली, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आई जस्ट केम हेयर, मैं सिर्फ यहाँ पर इसलिए आया हूँ, टू प्रैक्टिस करने के लिए, फॉर अ क्रिकेट मैच, मैं क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस के लिए सिर्फ यहाँ आया हूँ। दानिश कहता है, ओ दैट्स ग्रेट, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अली, टुमारो माई स्कूल टीम हैज़ इट्स फाइनल मैच। टुमारो, कल माई स्कूल टीम, मेरे स्कूल की जो टीम है, हैज़ इट्स फाइनल मैच, उसका फाइनल मैच है, विद अनदर स्कूल, एक दूसरे स्कूल के साथ। दानिश, ओ दैट्स ग्रेट, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, आओ मिल के प्रैक्टिस करते हैं। अब ये क्वेश्चन आंसर हैं, हाउ डिड द पीपल ऑफ ताइफ, ताइफ के जो लोग हैं, ट्रीट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने कैसा सलूक किया, ठीक है? अब आपने ये नोट करना है इसका आंसर, ये आपको लेसन में से मिल जाएगा कि उन्होंने कैसा ट्रीट किया था। दे ट्रीटेड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी हार्शली, बहुत बुरा, वेरी हार्शली, बहुत सख्त, यानी कि बहुत बुरा उनके साथ सलूक किया। दे रिजेक्टेड, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया हिज मैसेज, आपके पैगाम का, एंड मोक्ड हिम, और आपका मजाक उड़ाया। ये हमने लेसन में पढ़ा है, दे रिजेक्टेड हिज मैसेज एंड मोक्ड हिम, ठीक है? उन्होंने आपके मैसेज का इनकार कर दिया, एंड मोक्ड हिम, और आपका मजाक उड़ाया। तो और क्या हुआ था कि अमूक, एक हजूम जो था, अमूक पेल्टेड हिम विद पेबल्स इंजरिंग हिम। क्या किया था एक हजूम ने कि कंकरियों के साथ उन पर पथराव किया जिससे आप जख्मी हो गए। सेकंड है, वाई वाज रसूलुल्लाह कॉल्ड सादिक एंड अलमीन, के रसूल पाक को सादिक और अमीन क्यों कहा जाता था, ठीक है? अब इसका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड कहा जाता था सादिक एंड अलमीन फॉर हिज ऑनेस्ट नेचर, उनकी ईमानदाराना किरदार की वजह से, या ईमानदाराना फितरत की वजह से, फॉर हिज ऑनेस्ट नेचर। दोबारा से सुन ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड अल सादिक एंड अल अमीन, किस वजह से? अल अमीन फॉर हिज, जस्ट आपने क्या लगाना है, फॉर हिज
ऑनेस्ट नेचर, फॉर हिज ऑनेस्ट नेचर। अब नेक्स्ट देखें, हाउ डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट हिज अपोनेंट्स, कि अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपने साथियों जो अपने सॉरी ओपोनेंट्स हैं उनके अपने जो मुखालफीन थे, ओपोनेंट्स मुखालफीन, उनके साथ किस तरह का सलूक करते थे, ये आपने बताना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटेड सलूक करते थे हिज ओपोनेंट्स अपने मुखालफीन से, अपने मुखालफीन से कैसा, विद काइंडनेस रहमदिली के साथ, रहम ठीक है, बहुत ही रहमदिल थे उनके साथ, विद काइंडनेस इवन हत्ता के आप क्या करते थे, ही प्रेड फॉर देम, इवन हत्ता के ही प्रेड, आपने दुआ की फॉर देम उनके लिए, ठीक है। क्या करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटेड हिज ओपोनेंट्स विद काइंडनेस Even he prayed for them. अब यहाँ पर कंसेप्ट है डाइग्राफ, ट्राइग्राफ और साइलेंट लेटर्स का, ठीक है, कि डाइग्राफ क्या होते हैं। A डाइग्राफ इज अ साउंड मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स, जब दो लेटर मिलकर एक साउंड बनाए, ठीक है, जब दो लेटर मिलकर एक साउंड बनाते हैं, एक आवाज़ बनाते हैं, तो उसे डाइग्राफ कहा जाता है। जैसे सी एच से क्या बनती है, चे, एस एच से क्या बनती है, शी, टी एच से क्या बनती है, थे, ठीक है, और डब्ल्यू एच से क्या बनती है, वी, ठीक है, वॉ की साउंड डब्ल्यू एच से। जब दो लेटर मिलकर एक साउंड बनाए, ठीक है, जब दो लेटर मिलकर एक साउंड बनाए, तो उसे क्या कहते हैं, डाइग्राफ कहते हैं। जैसे द फार्मर इज कटिंग वीट, ठीक है, W H ने मिलके क्या साउंड बनाई, एक साउंड बनाई, द फार्मर इज कटिंग वीट। द चिल्ड्रन सी एच जे, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है, ब्रश योर टीथ एवरी डे, एस एच की साउंड क्या है, एस एच की साउंड क्या है, शीन, और टी एच की साउंड क्या है, दाल और थे, ब्रश योर टीथ डेली। इसी तरह अब है ट्राइग्राफ, जब ये दो लेटर मिलके जब एक साउंड बनाते हैं तो डाइग्राफ कहते हैं, और जब तीन लेटर मिलकर एक ही किस्म की आवाज़ दें, एक साउंड बनाते हैं, जब तीन लेटर मिलकर, तो उसे ट्राइग्राफ कहा जाता है। और ट्राइग्राफ इज़ द साउंड मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेटर्स, ट्राइग्राफ की साउंड कैसे बनती है, थ्री लेटर्स मिलकर एक साउंड जब बनाते हैं। द बॉयज आर प्लेइंग द मैच, देखिए मैं और आगे चे, मैच। डू नॉट फाइट, देखें आई जी एच, तीनों की एक ही साउंड हम पढ़ रहे हैं, फाइट, डू नॉट फाइट विद ईच अदर, ये अलग अलग इनकी साउंड को हम यूज़ नहीं कर रहे। आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप। अब ये देखें इन तीनों की, एस सी एच की, तीनों को मिला के एक ही साउंड हम बोल रहे हैं, आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप। अब फिर साइलेंट लेटर आ गए हैं, सना इज क्लाइमिंग, अब देखो बी इसमें साइलेंट है, क्लाइमिंग, सना इज क्लाइमिंग द माउंटेन, ही रैप द रिस्ट वॉच, डब्ल्यू इसमें साइलेंट है, डू यू नो हु नॉक्ड एट द डोर, इसमें के साइलेंट है। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपके लेसन से ही रिलेटेड है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड, क्या कहा जाता था उन्हें, सादिक सच्चा ड्यू टू हिज ट्रूथफुलनेस, उनकी सच्चाई की वजह से उन्हें सादिक कहा जाता था। द पीपल ऑफ ताइफ के लोग रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया टू एक्सेप्ट इस्लाम कबूल करने से इनकार, ताइफ के लोगों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। द पीपल ऑफ ताइफ रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेट ठहरे इन ताइफ में फॉर 10 years, 10 साल के लिए ताइफ में ठहरे। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, अब आपने वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ मिलाना है, ये किस तरह से ये वर्ड्स इनके साथ मिलते हैं। इंस्पिरेशन होता है इश्तियाक, तहरीक, आपको किस चीज़ से
तहरीक मिलती है। अ पर्सन और थिंग, कोई शख्स हो सकता है या फिर कोई चीज़ हो सकती है, दैट मोटिवेट्स, जो आपको मुतहर्रक करती है, जो चीज़ या फिर कोई शख्सियत जो आपको मुतहर्रक करती है, जिससे आप इंस्पायर होकर वो करना शुरू कर देते हो। ठीक है, इंस्पिरेशन का ये मतलब है अ पर्सन और थिंग दैट मोटिवेट्स, के कोई शख्स या फिर चीज़ जो आपको मुतहर्रक करती है। पर्सनैलिटी, शख्सियत, द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सनस करेक्टर, वेरियस बहुत से एस्पेक्ट्स, पहलू ऑफ अ पर्सनस करेक्टर, किसी भी शख्स के करेक्टर के, किरदार के जो बहुत से पहलू होते हैं, वो मिलके उसकी शख्सियत बनाते हैं, पर्सनैलिटी बनाते हैं। ऑनेस्ट, ईमानदार, ईमानदार, ऑलवेज टेलिंग द ट्रूथ, जो हमेशा सच बोलता है, जो हमेशा सच कहे, वो जाहिर सी बात है ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा। पेशेंस, सब्र, पेशेंस, सब्र, सब्रता। टॉलरेंस, दरगुजर। बेटरमेंट, बेहतरी, इम्प्रूवमेंट का मतलब भी इम्प्रूव करना, बेहतरी लाना किसी चीज़ में, बेटरमेंट बेहतरी, इम्प्रूवमेंट का भी वही है, बेहतरी। यहाँ पर मज़ीद ग्रामर है, नेमिंग, नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई नाम है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, नाउन, नेमिंग वर्ड्स, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है, तो वो क्या होगा, नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। और एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब, जो भी काम हम करते हैं या फिर कोई और करता है, जो भी एक्शन होता है किसी भी चीज़ में, जब एक्शन होता है तो वो क्या है, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब। एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव, और जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स, उसको, उसकी वजाहत करते हैं, उसके बारे में, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड्स कुछ भी कहते हैं, तो वो क्या होगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वो क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो ये नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। अगर आप इन चीज़ों के बारे में मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं, तो मेरी ग्रामर की वीडियो देखें, वो मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से वीडियो मज़ीद बनाई हुई है। अब यहाँ पर है, उन्होंने कहा है कि ये पढ़ें, ठीक है, ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको पढ़ें, और यहाँ पर नेमिंग वर्ड्स लिखें, यहाँ पे फिर नीचे एक्शन वर्ड लिखें और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखें। गेट, गेट हासिल करना होता है, ठीक है, गेट फ्रेश, ताज़ा, हेल्दी, सेहतमंद फ्रूट्स, फल एंड वेजिटेबल्स और सब्जियाँ, डिलीवर्ड ऑन योर डोर स्टेप एट लो रेट्स विद जस्ट वन कॉल, कि अगर आप एक कॉल, सिर्फ एक कॉल के करने पे आपको फ्रेश हेल्दी फ्रूट और वेजिटेबल्स आपके दरवाजे पर आपको मिल जाएगा। इसमें नेमिंग वर्ड्स क्या हैं, फ्रूट है, वेजिटेबल है, दो दो लिखने हैं हमने नेमिंग वर्ड्स, फ्रूट है, वेजिटेबल है, और एक्शन वर्ड्स गेट है, कॉल है, ये डिलीवर्ड भी है, और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी कि इन चीज़ों को डिस्क्राइब, ये नाउन है ना, फ्रूट एंड वेजिटेबल, इनको डिस्क्राइब किया है, इनके बारे में मज़ीद मालूमात दी है कि ये फ्रेश हैं, हेल्दी हैं हमारे लिए, तो फ्रेश और हेल्दी क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, और ये नाउन है। फिल इन द मिसिंग लेटर टू कम्प्लीट द वर्ड्स, अब यहाँ पर WORLD, वर्ल्ड, दुनिया, कम्प्लीट COMPLETE, कम्प्लीट, ऑनेस्ट HONEST, ऑनेस्ट, ट्रूथ TRUTH, ट्रूथ, फॉरगिव FORGIVE, फॉरगिव, डजंट DOZEN, डजंट। अब यहाँ पर हम करेंगे कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के बारे में और प्रॉपर नाउन के बारे में, ये सारी ग्रामर आपको मिल जाएगी मेरी ग्रामर लिस्ट में। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है, आम चीज़, ठीक है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही डिटेल बता देती हूँ कि कॉमन नाउन जो है वो क्या है, ठीक है, कॉमन नाउन आम चीज़ का नाम होता है, ठीक है, आम चीज़ का नाम होता है, और जो आम चीज़ होती है वो सिंगल नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और वो जमा में होती हैं, ठीक है, कॉमन नाउन वो नाउन जिनकी जमा बन सके, ठीक है, जिनकी हम जमा बना सकें, ठीक है, जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं वो कॉमन नाउन है। और प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन जो ख़ास चीज़ें होती हैं वो सिर्फ़ एक होती है, वो सिर्फ़ एक होती है, उसकी जमा नहीं बन सकती,
उसकी ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, उसकी जमा नहीं बन सकती प्रॉपर नाउन की, वो सिर्फ एक होती है और उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर किसी की भी हो सकती है, ग्रैंड मदर कौन सा एक है, माई ग्रैंड मदर लिव्स इन अ विलेज, ठीक है, विलेज गांव कोई भी हो सकता है, विलेज कोई एक गांव तो नहीं है। आई मेड अ केक फॉर माई मदर, केक बहुत सारे होते हैं। माई मदर माँ हर किसी की माँ होती है, ठीक है, ये जो है ये क्या है, कॉमन नाउन है। देर इज अ मस्जिद नियर माई हाउस, मेरे घर के करीब मस्जिद है। हाउस बहुत सारे घर होते हैं, अब मस्जिद है, मस्जिद है तो ये भी कॉमन नाउन है क्योंकि मस्जिद एक नहीं है, बहुत सारी मस्जिद। अगर हम किसी एक मस्जिद को उसका नाम लेके इंडिकेट करेंगे तो वो प्रॉपर होगा, मस्जिद भी कॉमन है। शी लाइक्स टू प्ले विद द डॉल, डॉल कॉमन। देर आर ब्यूटिफुल माउंटेन्स इन माई कंट्री, माउंटेन बहुत सारे हैं, किसी एक माउंटेन का हमने नाम नहीं लिया, कंट्री बहुत सारे कंट्रीज हैं, ठीक है, हमने किसी एक कंट्री का नाम नहीं लिया। अब माउंटेन है, किसी एक माउंटेन को हम इंडिकेट करेंगे तो वो प्रॉपर होगा, किसी कंट्री का नाम लेंगे, पाकिस्तान है, अमेरिका है, तो वो प्रॉपर होगा, ठीक है। अब है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है और इन वर्ड्स की जमा नहीं बन सकती, क्यों, और ये सिर्फ एक है, और ये सिर्फ एक होता है, ठीक है, और ये नाम सिर्फ एक होता है। अलामा इकबाल सिर्फ एक ही था, कोई और नहीं है। अलामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोइट, दे वेंट टू द फैसल मस्जिद। अब ये देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मस्जिद जो है वो कॉमन नाउन है क्योंकि मस्जिद मस्जिदों इसकी जमा बनती है और वैसे भी मस्जिदें बहुत सारी होती हैं, फैसल मस्जिद सिर्फ एक है, ठीक है, फैसल मस्जिद सिर्फ एक है, इसकी फैसल मस्जिदों नहीं हो सकता, और कोई फैसल मस्जिद नहीं है, फैसल मस्जिद सिर्फ एक है। अब निदा, निदा एक है, निदा का अपना नाम है, अब ठीक है, निदा नाम कोई भी हो, किसी का भी नाम होगा वो प्रॉपर होगा। निदा रीड्स द होली कुरान, कुरान एक है, होली कुरान इन द मॉर्निंग। द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज मारखोर। अब है मोहम्मद अली जिना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान, अब देखें कंट्री होगा तो कॉमन नाउन होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक हैं, उसकी जमा भी बन सकती है, कंट्री कंट्रीज, अब पाकिस्तान है, पाकिस्तानों तो नहीं होता, पाकिस्तान पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये हैं इनकी शनाख्त, आप कैसे कर सकते हैं कि जो प्रॉपर नाउन है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है और वो सिर्फ एक होता है और उसकी हम जमा नहीं बना सकते। अब है अंडरलाइन द नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर कॉमन और प्रॉपर नाउन। अब आपने अंडरलाइन करना है और बताना है कि ये कॉमन है या फिर प्रॉपर नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है। यहाँ पे मैंने जो अंडरलाइन किए हैं, जो ब्लू के साथ मैंने किए हैं ना, ब्लू के साथ, ब्लू पेंसिल के साथ, वो हैं प्रॉपर नाउन, और जो लेड पेंसिल से मैंने किए हुए हैं वो कॉमन है, ठीक है। आप जो देखो रावल लेक है वो एक है, ठीक है, तो ये है प्रॉपर। वीक हफ्ता, ठीक है, हमने संडे मंडे नहीं कहा, ठीक है, वीक है, पूरा हफ्ता है, उसमें कोई भी दिन आ सकता है, वीक है तो वीक, ठीक है, हफ्ता हफ्तों हफ्ते जमा इसकी बन सकती है, तो ठीक है, और उसका पहला लेटर कैपिटल भी नहीं है, ठीक है, ये है कॉमन और ये है प्रॉपर। फादर, फादर क्या है, कॉमन। मैन क्या है, कॉमन, और बिल्डिंग भी कॉमन है, बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद सिर्फ एक है और ये प्रॉपर है। सिटी कोई भी शहर हो सकता है, हमने किसी, ये देखिए अब इस्लामाबाद है, ये प्रॉपर है, हमने शहर का नाम लिया है, मखसूस शहर का नाम लिया है कि इस्लामाबाद की बात हो रही है, तो ये प्रॉपर है। और सिटी क्या है, कॉमन है। केटू क्या है, प्रॉपर है। पीक कोई भी पीक हो सकती है, ये क्या है, कॉमन है। और पाकिस्तान क्या है, प्रॉपर है। आपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल और कलेक्टिव नाउंस के बारे में बताना है, ठीक है। काउंटेबल नाउंस आर नाउंस विच कैन बी काउंटी, जिन्हें काउंट किया जा सके। काउंटेबल नाउन क्या है, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी गिनती कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन है। दे हैव प्लूरल, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उनकी जमा बन सकती है। और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो सिर्फ एक चीज़ होती है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स विच कैन नॉट बी, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होते। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर रेन, बारिश है, बारिश को हम कैसे काउंट कर सकते हैं। वेदर है, मौसम है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। पेन, दर्द है, किसी की
दर्द को हम कैसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन, जब ग्रुप में किसी चीज़ का नाम आ जाता है ग्रुप में, तो वो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन आर नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल थिंग और फॉर अ कलेक्शन, किसी कलेक्शन, जब जमा में चीज़ों का नाम आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ क्लास, क्लास है। अब क्लास में सिर्फ एक बच्चा तो नहीं ना बैठा, उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, क्लास में। तो क्लास क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। आर्मी, आर्मी में सिर्फ एक नहीं, आर्मी में मैं सबकी बात कर रही हूँ, तो आर्मी ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। क्राउड है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब पुलिस है, उसमें सब पुलिस आ जाती है, ठीक है, तो इसकी जमा नहीं है। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। जब ग्रुप में बात आ जाती है, जब हम किसी चीज़ का नाम लेते हैं और उसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, ठीक है। तो जब एक नाम जो है अपने जैसे पूरे ग्रुप की निशानदेही करे, जब एक नाम अपने ग्रुप की बहुत सारे, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब को अपने उस नाम में समेट ले, तो उस नाम को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे ये मिसालें मैंने आपको दी हैं, ठीक है, जैसे क्लास है, पुलिस है, क्राउड है, हजूम है, हजूम में अब एक बंदा तो नहीं होगा, क्राउड है, ठीक है, आर्मी है, पुलिस है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। वो आप जब नाम कोई भी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ से आपने देखना है जो काउंटेबल नाउन है वो रेड में है, ठीक है, और जो अनकाउंटेबल हैं वो ब्लू में हैं, ठीक है। अब ये देखें शॉप्स ये काउंटेबल हैं, ठीक है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ऑनियंस हैं। अब है बंच ऑफ ग्रेप्स, ये आप देखें बंच ऑफ ग्रेप्स, गुच्छे की बात हो रही है, अंगूरों के गुच्छे की बात हो रही है। हम अब गुच्छे में एक अंगूर नहीं है, वो अपने जैसे जो और भी अंगूर हैं अपने इस एक नाम में उसने समेट लिया है, गुच्छे में, ठीक है। तो नाम सिर्फ एक है, गुच्छा, ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, ठीक है। ये ग्रुप में बात आ गई है, अब ये किसमें बात आ गई है, ग्रुप में बात आ गई है, तो ये क्या होगा, कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन होगा, बंच ऑफ ग्रेप्स, गुच्छा। एंड अ डजन ऑफ बनानास, अब है केलों की दर्जन। अब ये देखो एक दर्जन का सबको पता है कि उसमें 12 होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये काउंटेबल है, ये ऑलरेडी काउंटेबल है, डजन उन्होंने कहा हुआ है, डजन ऑफ बनानास, केलों की दर्जन, तो दर्जन में 12 होते हैं, ऑलरेडी काउंटेबल है। हीरा वेंट टू, अच्छा बुक स्टोर क्या है, काउंटेबल है, स्टोरी बुक काउंटेबल है। अब अच्छा, अब है बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, गुलदस्ते की बात हो रही है, फूलों के गुलदस्ते की बात हो रही है, तो ये किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा, ये किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा, ठीक है, कलेक्टिव नाउन में आएगा कि बुके जो है, गुलदस्ता, उसमें वो सारे फूलों को कर रहा है कि इसमें ये गुलदस्ता है, इसमें बहुत सारे फूल हैं, ठीक है। तो जब एक नाम अपने जैसे और भी जो अपनी क्लास की निशानदेही करे एक नाम में, ठीक है, बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों का एक गुलदस्ता, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब टी क्या है, अनकाउंटेबल, जैसे टी है, राइस है, योगर्ट है, मिल्क है, वाटर है, जैसे ऑयल है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, अनकाउंटेबल हैं, इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, टी अनकाउंटेबल है, ठीक है। एक्सपीरियंस है, अनकाउंटेबल है, ये किसी के जिसके पास बहुत सारा नॉलेज हो उसी के पास एक्सपीरियंस होता है, तो हम किसी के नॉलेज को कैसे, किसी के एक्सपीरियंस को हम कैसे काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है। अब यहाँ पर आर्टिकल हैं, आर्टिकल्स, यहाँ पर सिर्फ दो आर्टिकल्स की बात हो रही है। अब आर्टिकल्स, टोटल आर्टिकल्स कितने होते हैं, तीन हैं, आ, एन और द, ठीक है, और इसकी काइंड्स कितनी हैं, टू हैं, आर्टिकल्स की काइंड कितनी है, टू हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में आ और एन, इनकी डिटेल्स भी मेरी ग्रामर लिस्ट में मौजूद है। अब यहाँ पर जस्ट इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात हो रही है कि हमने आ और एन को कहाँ पे यूज़ करना है,
ये मैं आपको ट्रिक बताती हूँ एक, और आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि आपने आ और एन का कैसे इस्तेमाल करना है। आ तो आप ये समझें कि आ सबके साथ आता है, आपने देखना है एन को कि एन कहाँ पर हम यूज़ करेंगे। उसके लिए पहले ये इनकी डेफिनेशंस पढ़ लें। आई यूज्ड बिफोर अ नाउन स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट, ये ज़रूरी नहीं है। अब इन्होंने कहा है कि कॉन्सोनेंट से जो स्टार्ट होते हैं, ठीक है, आपने साउंड देखनी है, आपने साउंड देखनी है, फिर आपने आ और एन का यूज़ करना है। वो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप कोई भी वर्ड पढ़ते हो, उसकी अगर साउंड जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, इंग्लिश में आ और उर्दू में अलिफ से, आ और अलिफ की साउंड, अगर आप उस वर्ड को उर्दू में, इंग्लिश के वर्ड को उर्दू में लिख कर देखो, अगर उसके स्टार्ट में अलिफ आ जाए, अगर उसके स्टार्ट में अलिफ आ जाए, बेशक उसका पहला लेटर वॉवल हो या फिर कॉन्सोनेंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने उसके साथ एन लगाना है, ठीक है, और इंग्लिश में उसकी साउंड आ की हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे अब ये एम ए है, एम ए, अब आपने मुझे बताना है कि इसके साथ आपने एल ए लगाना है या फिर एन लगाना है। अब एम जो है ये कॉन्सोनेंट है, एम तो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, लेकिन इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एम क्या है, एम, एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और एन क्यों लगाएंगे, एन क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसकी साउंड आ की है, एम, और अगर हम इसको एम को उर्दू में लिखें तो इसका पहला जो है, पहला हर्फ क्या होगा, अलिफ होगा, पहला हर्फ क्या होगा, अलिफ होगा। आपने जो भी इंग्लिश का वर्ड होगा उसको उर्दू में लिख के देखना है, अगर उसका पहला वर्ड जो है, पहला लेटर जो है पहला हर्फ जो है वो अलिफ है, अलिफ है, तो आपने उसके साथ एन लगाना है। अब यूनियन है, अब यूनियन, यूनियन है, यू तो वोवल है, यू वोवल है, ठीक है, तो इसके साथ हम आ लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। एन क्यों नहीं लगाएंगे, आप देखो यूनियन को आप लिख कर देखो तो इसके स्टार्ट में इसकी साउंड क्या आ रही है, यू की आ रही है, यूनियन, ठीक है, आ की साउंड नहीं आ रही। और अगर उर्दू में लिख कर देखें तो देख, ये देखो अलिफ नहीं आ रहा स्टार्ट में, तो इसके साथ हम आ लगाएंगे। अब ऑनेस्टी है, ठीक है, ऑनेस्टी है, उर्दू में लिख कर देखें स्टार्ट में क्या आ रहा है, अलिफ आ रहा है, ठीक है, अलिफ आ रहा है, ठीक है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इसकी पूरी डिटेल जो है वो मैंने दी हुई है, बहुत सारे वर्ड्स लिख के मैंने आप बताया हुआ है, वो ग्रामर लिस्ट में देख लेना, यूज़ ऑफ एन और द। तो आपने जस्ट साउंड देखनी है, आपने वर्ड को पढ़ना है और उसको उर्दू में लिख के देखना है, अगर उसके स्टार्ट में अलिफ आ जाए तो आपने उसके साथ एन लगाना है, बेशक वो कॉन्सोनेंट लेटर ही क्यों ना हो। देयर इज अ बुक, अभी देखें बुक को हम लिखेंगे तो स्टार्ट में बी आता है, ठीक है, अ बुक, वैसे भी आ की साउंड नहीं है, आ की साउंड नहीं है इसमें, अ बुक। सारा एंड, सारा हैट एन एग, एग को लिख के देखें, ये देखें स्टार्ट में अलिफ आया, एन एग, तो इसके साथ एन आएगा। प्लीज़ गिव मी एन एप्पल, ठीक है, एन आएगा। आई सॉ अ स्मॉल कैट इन द पार्क, मार्गिया बॉट एन अम्ब्रेला, तो स्टार्ट में क्या है, अलिफ है, अम्ब्रेला, और आ की साउंड है तो एन लगेगा। आपने साउंड देखनी है, अगर आ की साउंड हो आप उस वर्ड को लिख कर देखें, अगर स्टार्ट में अलिफ आए, आ की साउंड आए, तो आपने उसके साथ एन लगाना है, बाकी सबके साथ क्या लगाना है, आपने आ लगाना है। और जो प्रॉपर नाम होते हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन जो होते हैं उनके साथ आपने द, जो ख़ास चीज़ें होती हैं उनके साथ आपने द यूज़ करना है। यहाँ पर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो भी वर्ड्स किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें, उनके बारे में जो भी, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हम जो भी कहेंगे वो क्या, वो वर्ड्स क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। जैसे वो नेम ऑफ कलर भी हो सकते हैं, हम किसी चीज़ का कलर बताएं,
ठीक है, किसी चीज़ का कलर बताएं, उसकी काउंटिंग बताएं, साइज़ बताएं, उसकी शेप बताएं, क्वालिटी बताएं, क्वांटिटी बताएं, ठीक है, ओरिजिन बताएं, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, एडजेक्टिव में आती हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में ये सब चीज़ें बताते हैं, कलर बताते हैं, साइज़ बताते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन का कलर, साइज़, शेप, क्वालिटी, ओरिजिन, क्वांटिटी, काउंटिंग, नंबर में काउंटिंग आती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या कहलाएंगी, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जब हम इन चीज़ों के बारे में बताएंगे तो ये सब क्या हैं, एडजेक्टिव्स। ठीक है, इसमें किसी नाउन या प्रोनाउन के कलर को बयान किया जाता है, इसमें साइज़ को बयान किया जाता है किसी नाउन या प्रोनाउन का, इसमें शेप के बारे में बताया जाता है, इसमें क्वालिटी के बारे में किसी नाउन या प्रोनाउन में क्या खसूसियत पाई जाती है, क्या खूबी खामी है। ठीक है, ओरिजिन इलाका बताया जाता है किसी नाउन या प्रोनाउन का कि वो किस इलाके से है। क्वांटिटी में हम क्या बताते हैं, तादाद बताते हैं, ठीक है, मिकदार बताते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की। अब यहाँ पर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, आपने इसमें चूज़ करने हैं कि इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वालिटी कौन से हैं, एडजेक्टिव ऑफ शेप के जो नाम हैं वो कौन से हैं, और एडजेक्टिव ऑफ कलर कौन से हैं, एडजेक्टिव ऑफ रीजन कौन से हैं, एडजेक्टिव ऑफ साइज़ कौन से हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन से हैं। अब ये देखें, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जब हम किसी की क्वालिटी बताते हैं, किसी की खसूसियत बताते हैं कि फलां नाउन या प्रोनाउन में क्या खसूसियत पाई जाती है, क्या खूबी खामी पाई जाती है, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, इंटेलिजेंट है, ट्रूथफुल है, ठीक है, कोई बैड भी हो सकता है, ठीक है। अब एडजेक्टिव ऑफ शेप, हम शेप बताते हैं चीज़ों की, जितने भी नेम ऑफ शेप हैं, शेप्स के जितने भी नेम हैं वो सारे इसमें एडजेक्टिव ऑफ शेप में आएंगे, राउंड है, ओवल है, ठीक है, स्क्योर है, रेक्टेंगल है, ये सब इसमें आएंगे। एडजेक्टिव ऑफ कलर, जितने भी नेम ऑफ कलर्स हैं वो इसमें आएंगे, ब्लैक है, येलो है, हमने तो सिर्फ यहाँ से लिखना है ना, लेकिन जितने भी कलर आएंगे वो एडजेक्टिव ऑफ कलर्स में आएंगे। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, ये इलाका होता है कि फलां चीज़ जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है, किस इलाके से है, ठीक है, अमेरिकन है, पाकिस्तानी है, चाइनीज़ है, इंडियन है, तो ये सारा एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन में आएगा। एडजेक्टिव ऑफ साइज़, यहाँ पे साइज़ बताया जाता है चीज़ों के, साइज़ के बारे में, ठीक है, लार्ज है, शॉर्ट है, स्मॉल है, बिग है, यहाँ पर साइज़ की बात होती है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पर मिकदार की बात होती है, ठीक है, यहाँ पर मिकदार की बात होती है, जैसे फ्यू है, वन है, कोई भी काउंटिंग आ सकती है यहाँ पर, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये एंड पर जस्ट वर्ड्स के सिलेबल बताए गए हैं, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर सिलेबल मीनिंग। अब आपने ये वर्ड्स पढ़ने हैं कि इनको कितने सिलेबल में डिवाइड किया गया है, ठीक है, मॉडल है, मॉडल टू सिलेबल पर मुश्तमिल है ये, टॉलरेंस है थ्री पर, पर्सनैलिटी फाइव, फॉरगिवनेस थ्री, ब्यूटीफुल थ्री, ये उन्होंने सिलेबल किए हुए हैं वर्ड्स के, कि ये जो वर्ड्स हैं ये कितने सिलेबल पर मुश्तमिल हैं। अब ये आपने खुद करने हैं, जैसे वेजिटेबल है, इसके फोर बनते हैं, वे ची टे बल, ठीक है, फोर सिलेबल पर ये मुश्तमिल है। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टू पर, टू है इसके, सिलेबल बनते हैं। कंप्लीट, कंप्लीट, ठीक है, टू सिलेबल पर, और कंप्यूटर, ये थ्री सिलेबल पर मुश्तमिल है। अब नेक्स्ट है माउंटेन, माउंटेन, ये टू सिलेबल पर मुश्तमिल है, तो यहाँ पर जस्ट सिलेबल की डिवीजन की गई है। ओके स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी एक्सरसाइज है लेसन नंबर वन की, वो कंप्लीट हुई, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद आप डिटेल जानना चाहते हैं तो मैंने इनकी डिटेल जो है वो अपनी ग्रामर लिस्ट में बड़े बहुत ही डिटेल से करवाई हुई है, ये सारी चीज़ें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, और मज़ीद चीज़ें भी हैं, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।